नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला, आप सभी का बिजनेस स्ट्रीट में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट रिसर्च हाउसेज बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिल्डर्स अब टीयर टू और टीयर थ्री शहरों का रुख कर रहे हैं नए नए प्रयोगों के साथ। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब आज के बिजनेस स्ट्रीट में। आजकल इन्वेस्टमेंट रिसर्च हाउसेस भारतीय छोटे निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। रिसर्च ग्रुप तेजी से स्थापित हो रहे हैं। ये निवेशकों को हर पल फोन से, मैसेज से या ईमेल के जरिए सलाह देते रहते हैं कि वो कब और कहां निवेश करें, किस कंपनी का शेयर कितने में खरीदें या फिर बेचें। हमारा पूरा एक रिसर्च टीम है। दिस इज़ अ रिसर्च हाउस। वेस्ट कैपिटल एक रिसर्च हाउस है जिसमें शेयर मार्केट वी आर डीलिंग इन कमोडिटी मार्केट ऑल्सो। इनफैक्ट फॉरेक्स में भी हम डील करते हैं। हमारा मेजर फोकस रहता है कुछ टेक्निकल पैरामीटर होते हैं हर एक मार्केट के, कुछ फंडामेंटल पैरामीटर ऑल्सो दे रहा। टेक्निकल पैरामीटर ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग रन। जब भी आप इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में जनरली फंडामेंटल्स मैटर करता है, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग टेक्निकल चार्ट्स, जनरली ये हो गया एक एनालिटिकल पार्ट। बट वेस्ट टू कैपिटल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिक्स करके कुछ एनालिसिस करती है, जिसके बेसिस पे एक रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं हम क्लाइंट को। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही उसकी विदेश में लगी हुई है, फॉर एग्जांपल यूरोप में लगी हुई है। सो अगर यूरोप की कोई मेजर न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेट सी बात है वो पूरी कंपनी सब में इम्पैक्ट आएगा। तो वी हैव कैटेगराइज दोज पर्टिकुलर थिंग्स। हम वो कंपनीज को अलग रखे जिनका मेजर इम्पैक्ट यूरोप से आने वाला है, जिनका मेजर इम्पैक्ट आपको अमेरिका से आने वाला है, देन चाइना से आने वाला है। लाइकवाइज कमोडिटीज़ में भी, जैसे कॉपर का मेजर इम्पैक्ट अगर आ रहा है कॉपर में तो वो चाइना से आ रहा है। सो इनकी मेजर न्यूज़ फंडामेंटल न्यूज़ ट्रैक होती रहती है। डेट इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन रिसर्च टीम जो फंडामेंटल न्यूज़ को कैटेगराइज करता है। देन कम्स टू द बेसिक टेक्निकल पार्ट। अगर मेरे को एक स्पेसिफिक टारगेट देना है, एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस देना है कि इससे इतना प्रॉफिट करके आपको मार्केट से निकल जाना है या इतना लॉस करके आपको मार्केट से निकल जाना है, तो उसको जनरेट करने के लिए आई डू नीड टू रिलाई अपॉन टेक्निकल। आपसे आपकी डिटेल्स मांगते हैं कि आपका इनकम कितना है, आप कितना पैसा ईएमआईज में अपना खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा आप सेविंग्स में अपने डाल रहे हैं, कितने पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं। इसके बेसिस पे एक आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होता है। अभी रिस्क प्रोफाइलिंग पे हमारे लिए तीन बेसिक कैटेगरीज होती हैं, हाई रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट्स, मिड रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट एंड लो रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट। तो अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट हैं तो आपके लिए सर्विसेज हमारी अलग अलग कैटेगराइज सर्विसेज हैं जिन पे हम हाई रिस्क लेके हैवी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं अभी उतना हाई रिटर्न्स नहीं ले रिस्क नहीं ले सकता हूँ, सिंस आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम द ओनली पर्सन अर्निंग पर्सन इन माई कंपनी इन माई फैमिली, तो ऐसी कंडीशन में हम आपको मिड या लो में डाल देते हैं कि भाई ठीक है, इनके साथ हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो अकॉर्डिंगली आपको स्टेबल रिटर्न की सर्विसेज हम आपको ऑफर करते हैं। Thank you.
आजकल टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में रियल एस्टेट डेवलपर्स नए नए प्रयोगों के साथ उतर रहे हैं ताकि वो इनके साथ अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। महानगरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स का बिजनेस भले ही ठंडा पड़ा हो लेकिन भारत के शहरों में डेवलपर्स काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई फॉर्मूलाज अपना रखे हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है बड़ा नहीं छोटा पैकेज ज्यादा बिकता है। 80% कस्टमर बेस जो है छोटे बजट में, जैसे कि हमारे पास 1 BHK फ्लैट है 7-7.5 लाख रुपए की रेंज में और 2 BHK फ्लैट है लगभग 16 लाख की रेंज में, तो ये क्या है बहुत ज्यादा सेल है। और बंगलों का रेंज 12.5 लाख रुपए से छोटे बंगलों जो है हमारे पास स्टार्ट है। इनका दूसरा फॉर्मूला है LLDD यानी लीगल लोकेशन डेवलपमेंट और सही समय पर डिलीवरी। LLDD का लीगल लोकेशन डेवलपमेंट डिलीवरी, लीगल के बारे में जैसे बैंक लोन अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी लेते समय, उसके अलावा 24 तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए तो ही वहाँ पे वो लीगल प्रॉपर्टी कहलाती है। लोकेशन, ऐसी लोकेशन जहाँ इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स आ रहे हो। इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और 24 आवर्स वाटर सप्लाई होता है वहीं पर ही इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स आते हैं। और जहाँ इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स आते हैं वहीं पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वहीं पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। ऐसी लोकेशन चॉइस करके हम ऐसी लोकेशन में प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आते हैं। भारत के कुछ शहरों में देसी और विदेशी कंपनियों के हब बन रहे हैं, ऐसे में डेवलपर्स इन सब के आसपास की जमीनों को विकसित करके बेच रहे हैं। ऐसा ही एक शहर है इंदौर, यहाँ डेवलपर्स इंडस्ट्री हब के पास सस्ते में प्लॉट्स बेच रहे हैं। कुछ बहुत सस्ते सस्ते मकान बेच रहे हैं ताकि वो मध्यवर्गीय लोगों को लुभा सकें। लेकिन हम लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म बनाया जिसमें हम लोगों का बजट्स, उनको लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है, उनके पास कैश कितना है, उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म में पूरा आता है। कौन सी लोकेशन में वो लेना चाहते हैं, उस लोकेशन में जो हमारे 12-13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो लोकेशन का हम प्रोजेक्ट दिखा के क्लाइंट को रेडी कराते हैं। कीमत भले ही कम हो लेकिन इनकी सुविधाएं कम नहीं है। टाउनशिप के अंदर हमारे जो फैसिलिटीज़ है, देखो एक तो जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा 3-tier सिक्योरिटी हम लोग देते हैं जिसमें CCTV कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उसके अलावा जो एंट्री गेट पे ही जो से हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो जो भी वहाँ पे सोसाइटी में हमारे कस्टमर्स रहते हैं उनकी एंट्री करके हम लोग वहाँ पे जाने देते हैं। गेस्ट के लिए अलग पार्किंग रख रही है सेपरेट और जो विजिटर्स वगैरह आते हैं उनके लिए बाहर से आईडी कार्ड हम लोग इशू करते हैं। शायद इन्हीं कारणों के चलते भारत के शहरों में रियल एस्टेट बिजनेस फल फूल रहा है। यहाँ डेवलपर्स एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। आजकल भारतीय विश्वविद्यालयों का रूप काफी बदल रहा है। कई विश्वविद्यालय तो देश विदेश की आवश्यकता के अनुसार अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं ताकि उन्हीं के अनुसार वो उन्हें तैयार कर सकें। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। बाहर की कंपनीज से भी हमने कॉन्टैक्ट बहुत पहले से शुरू किया और उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स उन कंपनीज़ में एक एक दो साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद गल्फ़ में जाना शुरू हो गए
और उसके साथ ये सिलसिला चलता रहा। उसकी वजह यह कि एक चेन रिएक्शन है कि एक के बाद दूसरा, और हमारे वहाँ के बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखा उन कंपनीज ने तो वो रिपीट कर रही हैं, हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स को आके ले रही हैं। कैंपस इंटरव्यू होते हैं हमारे वहाँ इसी वक्त, अभी पिछले महीने 27 अप्रैल को सऊदी अरब की मल्टीनेशनल कंपनी एटकॉन आई थी, कैंपस में आई थी इंटरव्यू करने और 11 बच्चों का सिलेक्शन करके लेके गई। ये नतीजा है इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज का। 11 बच्चे इस साल गल्फ कंट्री में सेलेक्ट हुए हैं और जिनका पैकेज 12 लाख रुपीस अराउंड पर ईयर है। यहाँ पढ़ाई और ट्रेनिंग का दायरा बाजार की मांग के अनुसार तय किया जाता है। जैसे मध्य एशिया और अन्य जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी मैन पावर की मांग है, इसीलिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके पास करीब 80 उच्च क्वालिटी की प्रयोगशालाएं हैं। बेसिक साइंस की लैब भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी लैब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी लैब है और हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हैं। स्पेशली अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास विंड मिल है। विंड मिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो सिर्फ IIT वगैरह में तो मिल जाएगा, आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए पूरी कार का एक जो है कट मॉडल रखा हुआ है, वर्किंग कट मॉडल, जिसमें बच्चों को काफ़ी आसानी से हम उसके गियर, सस्पेंशन और क्लच वगैरह को ट्रेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है जो टरबाइन है, टरबाइन का वर्किंग मॉडल और उसमें हम बच्चों को दिखाते हैं, सिखाते हैं। इसी तरह हमने सिविल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जैसे नॉन डिस्ट्रैक्टिंग टेस्ट है, कॉन्क्रीट टेस्ट है, विटामिन टेस्ट है। तो ये बच्चे जब बीटेक की डिग्री लेते हैं तो उनको ये सब इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भारतीय कंपनियों की जरूरत के अनुसार छात्रों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये तो कंपनी के अनुसार मैन पावर को कस्टमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ इंडस्ट्री के साथ मिलके, इसमें मारुति भी है, मारुति सुजुकी जो इंडस्ट्री है और भी जो फरीदाबाद की इंडस्ट्री है उनसे बातचीत चल रही है और कुछ बच्चों को ट्रेंड टेलर मेड करके हम भेजने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी में सिलेबस में बहुत लचीलापन है। स्टूडेंट की नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम, कोर्स कंटेंट और स्कीम डिज़ाइन कर सकें, और इसको हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को 2015-16 सेशन से लागू कर दिया है। इससे स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस आ गई है कि वो अपने कोर्सेज को, अपने कोर्सेज को खुद डिसाइड कर सकें और किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं उस सेमेस्टर में वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। पहले ये था इंजीनियरिंग करने वाला सिर्फ इंजीनियरिंग के कोर्सेज जिनको हम देंगे वही करना चाहेगा। अगर इंजीनियरिंग करने वाला अब अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो 15% क्रेडिट उसका दिया जा सकता है उसे। अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो वो भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आज भारत की यूनिवर्सिटीज ने बदले आर्थिक परिवेश को अच्छी तरह से समझ लिया है और उनके अनुसार अपने आप को ढालने में लग गई हैं। ये यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज भी लेकर आ रही है। आजकल एक ही छत के नीचे मल्टी डिजाइनर ब्रांड्स बिक रहे हैं और इससे कई डिजाइनर्स को लाभ भी हो रहा है। फैशन के कद्रदानों की ये इच्छा रहती है कि खरीदारी के पहले अधिक से अधिक डिजाइनर्स के कलेक्शंस पर नजर डाल सकें। अब उनकी ये इच्छा पूरी होती दिख रही है। यहाँ एक साथ कई डिजाइनर्स के कलेक्शंस मौजूद हैं। ये देखिए सोनल वर्मा का कलेक्शन।
और ये अभिजीत खन्ना का। जो कॉन्सेप्ट है वो है एक मल्टी डिज़ाइनर स्टोर। जब मैं मल्टी डिज़ाइनर स्टोर की बात करता हूँ जी, तो उसके अंदर हमने 40 डिज़ाइनरों को का सामान एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। 40 डिज़ाइनर, वो उसमें से बहुत सारे डिज़ाइनर्स दिल्ली से हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स बॉम्बे से हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स बैंगलोर से हैं, कहीं बनारस से हैं, कहीं कलकत्ता से हैं। तो हर डिज़ाइनर की एक अलग इंस्पिरेशन होती है, हर डिज़ाइनर का एक अलग स्टाइल होता है। तो उस स्टाइल को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक लाना, ये कॉन्सेप्ट है परंपरा का। हमारी जो रेंज है जी, वो मैक्सिमम रेंज है जी 5,000 से लेके 2,00,000 तक का सामान का। यहाँ की एक और विशेषता है, केवल प्रसिद्ध डिजाइनर्स का कलेक्शन ही नहीं, बल्कि कई नए नए डिजाइनर्स की कृतियां भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अंदर हमने डिज़ाइनर चूज़ करे डिपेंडिंग ऑन कि हमने कई लोग उठाए जो बहुत बड़े नाम हैं, जैसे रोहित बाल हो गया, AMPM हो गया, पंकज निधि हो गया, ये इंडस्ट्री के हैं बड़े नाम। और हमने कई डिज़ाइनर्स उठाए जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने पहली बार फैशन वीक में पार्टिसिपेट करा। हमारे पास जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, उसमें 90% डिज़ाइनर्स ब्लैक में फैशन वीक के पार्ट हैं। यहाँ सबके लिए ड्रेसेस हैं, हर रेंज के कपड़े हैं। निश्चय ही ऐसे स्टोर्स के आ जाने से डिजाइनर्स कलेक्शंस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे और नए नए डिजाइन्स को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे ट्रेवल सेगमेंट में इस हफ्ते हम आपको ले चल रहे हैं मालदीव्स की सैर पर। एशिया का एक खूबसूरत देश मालदीव्स, कुल 1200 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना ये खूबसूरत देश अपने साफ सुथरे तटों, नीले साफ समुंदर और अंडरवाटर सी लाइफ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। Maldives geography is such that has superb beaches and crystal clear lagoons and waters, so which is the main attraction to of Maldives. And also we have the pristine coral reefs and some of the best underwater life anywhere on the planet. Maldives mein vilasita ko charam tak anubhav kiya ja sakta hai. कुल मिलाकर 92 आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं, जो पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग और आइलैंड हॉपिंग जैसी कई सुविधाएं देते हैं। मालदीव्स जाएं तो स्कूबा डाइविंग करना ना भूलें। यहाँ के कोरल रीफ्स विश्व में अद्वितीय हैं। पानी के अंदर की सुंदरता बाहर के नजारों को भी मात दे देती है। इसके अलावा अपने वकेशन में से एक दो दिन निकालकर मालदीव्स के नेटिव आइलैंड जरूर देखें। I would suggest any visitor, especially from India, to experience the Maldivian beauty. Go diving, scuba diving, go snorkeling and see the reefs and the marine flora and fauna. Enjoy it. That is a very important aspect of Maldives. Because this is something quite unique, which you don't find in most parts of the world. Resorts organize what we call the island hopping or excursions to inhabited islands, to the capital island, and also sometimes to uninhabited islands where you can enjoy more privacy, you know, compared to your resort island. मालदीव्स में वाटर प्लेन्स की सबसे बड़ी फ्लीट है।
इस एयर टैक्सी से मालदीव्स की सैर और भी रोमांचक हो जाती है। यहाँ के द्वीपों पर रहने और खाने के लिए कई फाइव स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स उपलब्ध हैं। और यहाँ मालदीवियन क्विजीन के साथ साथ भारतीय स्वाद को ढूंढने में भी पर्यटकों को मुश्किल नहीं होगी। मालदीव जाने के लिए भारत से दो सीधी विमान सेवाएं उपलब्ध हैं और यहाँ के लिए कई आकर्षक पैकेजेस भी उपलब्ध हैं। मालदीव रिलैक्सिंग, रिजुविनेटिंग और लग्जूरियस गेटवे के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा है और यहाँ के पैकेजेस भी काफी हाई एंड हैं। Excluding the airfare, the resorts in Maldives normally charge anywhere between $200-$300 per night. That's the very minimum, up to $10,000-$12,000 per night in some of the very exclusive islands. So normally, depending on how much time you want to spend in the Maldives, it will cost you somewhere around $1,000 to many thousands more. From India, there are currently two direct connections to Male, one from Thiruvananthapuram in Kerala and one from Bangalore. They have direct flights. From Delhi, although we don't have direct flights from Delhi, it's very easy to fly either via Bangalore, Trivandrum or via Colombo. We have daily flights too. मालदीव्स युवा पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है और भारतीय तो हमेशा से ही इसके दीवाने रहे हैं। तो अगर आप भी विलासितापूर्ण छुट्टियों का आनंद उठाना चाहते हैं तो मालदीव्स जरूर जाइए। बिजनेस सीट में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।